380 करोड़ देशवासियों को फ्री में मुफ्त में राशन। अच्छा ये बताइए तो रोजगरवा नौकरिया जो वादा के लिए रखा भयाल ये राष्ट्रवादी बनने ने लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता 15 अगस्त 1947 के आई तो भारत भूखो नंगों का देश रहा, न खाए के भरपेट भोजन रहा, न पहने के बराबर कपड़ा क्यों मिलता रहा। कांग्रेस पार्टी देश का तरक्की खाती के गेल सेल बेल रेल वजन जीसी NTPC पावर प्लांट HAL के स्थापित करौला है, एम्स बनौला, यूनिवर्सिटी बनवाई, IIT बनवा, तमाम काटन मिल हो चाहे फर्टिलाइजर कंपनी हो चाहे शुगर मिल्स हो, ये सारा जो उपक्रम दिखाई देता है ये तो कांग्रेस पार्टी ही बनौला है। बिजली का खंभा भी राउट देखा तो भाई ना, तो या तो कांग्रेस पार्टी का हुई और नहीं तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का सरकार द्वारा बना। गाँव का प्राइमरी का स्कूल आपके वही मिश्रा जी ना, तो आपके गाँव में जो प्राइमरी का स्कूल है वो कांग्रेस पार्टी का बना वाला है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लालू प्रसाद यादव जी के कहले से और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के कहले से मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो UPA 2 का सरकार रहा है उसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। आई भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन का ढोल नगाड़ा जो बजावत हुए और चैत्र शुक्ल नवमी के रामनवमी मनावल जाते रहे। आई बतावा आधा अधूरा अयोध्या के मंदिर का है और जहाँ मंदिर बनने के विवाद रहे हैं हिंदू मुसलमान का 3 किलोमीटर दूर काहे के बेईमानवा बनौने सो, अरे बनावक जात रहा जहाँ राम का जन्मस्थली कत रहा है तो 3 किलोमीटर काहे के दूर हटा के देश के तबाह करे का काम कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करेगा काम। तो ये जनता सब कुछ जानत बा है और जनता पूरा मन बना ले ये चुनाव जैसे कि रोटी के तावा के तावा पर एक तरफ से रखल जाए तो उजर जाए, रोटी के पलटे के चाहिए और गलतफहमी में पड़ के हिंदू बने के मुद्दा पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दा पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दा पर हमन के गुमराह करके मोदी 5 किलो ये प्लास्टिक वाला चाउर दे के अब तब फरौरिया से बजड़ा देता ना। अब हमन जो है 5 किलो राशन के चक्कर में फंस करके अपने लैकन के जो नाम भविष्य अंधकार में ना डाला, हमन हिंदू मुसलमान के ना, हमन तो हिंदू मुसलमान उनके ईद में जाए ले जाए उनके घरे हमान हम लोग जाते हैं। हम लोगों के यहाँ भी जो तीज त्यौहार पड़ता है होली और दिवाली का मुसलमान भाई भी आते हैं, उनके बहन बेटी का शादी होला हम लोग शिरकत करी ला जा, हमान के बहन बेटी का शादी होला तो मुसलमान। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान के बात पर ईद और दिवाली के नाम पर अगर गुमराह करी तो अब जनता जवन है भारतीय जनता पार्टी के झांसा में आवे वाली ना बात। नमस्कार प्रणाम सस्त्रियाकाल अदाब गौर लागतानी, हमर नाम भाई अमित प्रताप मिश्र पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के पौली विकासखंड के परसा गांव में। और परसा गांव में हम एवदे आयल बाटी की चुनावी सरगर्मी लोकसभा के तेज हो गई बा, भारतीय जनता पार्टी से परवीन निषाद चुनाव लड़त बाट, वहीं इंडिया गठबंधन एवं सपा से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद आमने सामने बाट। आज परसा गांव में हमार मुलाकात हो गई लौटर राम निषाद जी से जो समाजवादी पार्टी के वक्ता हैं, आज इनसे बात करते हैं और रूप रूप आप लोगों से कराओ थे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भाई आपके चैनल के और आपके चैनल के जो भी दर्शक बा राउर लोगों से हम आग्रह निवेदन करब कि आपके चैनल के सब्सक्राइब करके लाइक करके जो है कि चैनल के आगे बढ़ावे और असली जो जमीन का सच्चाई बा वो जनता तक पहुँचावे में मदद करें। लौटर राम निषाद जी देखा जा रहे लोकसभा 62 में का कमाल हुई और वहाँ पे 2 निषाद आमने सामने। देखिए खाली संत कबीर नगर लोकसभा का बात ना भावे, हम तो लगभग में 29-30 लोकसभा का भ्रमण कैले के बाद आज जो हमारा जिला के आधार पर देखा जाए तो 41वां जिला हमारा हो। आज गनगता विधानसभा में आयल बानी और यहाँ जनता जब ना पूरा मन बना चुकल बा बदलाव का। जनता आम महिलाएं कह रही हैं कि रोटी के तावा के तावा पर एक तरफ से रखल जाए तो उजर जाए, रोटी के पलटे के चाहिए और गलतफहमी में पड़ के हिंदू बने के मुद्दा पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दा पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दा पर हमन के गुमराह करके मोदी 5 किलो ये प्लास्टिक वाला चाउर दे के अब तब फरौरिया से बजड़ा देता ना। अब हमन तो 5 किलो राशन के चक्कर में फंस करके अपने लैकन के जो नाम भविष्य अंधकार में ना डाला, हमन हिंदू मुसलमान के ना, हमन तो हिंदू मुसलमान उनके ईद में जाए ले जाए उनके घरे हमन हम लोग जाते हैं। हम लोगों के यहाँ भी जो तीज त्यौहार पड़ता है होली और दिवाली का मुसलमान भाई भी आते हैं, उनके बहन बेटी का शादी होला हम लोग शिरकत करी ला हमान के बहन बेटी का शादी होला तो मुसलमान। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान के बात पर ईद और दिवाली के नाम पर अगर गुमराह करी तो अब जनता जवन है भारतीय जनता पार्टी के झांसा में आवे वाली ना बात। लोकसभा 62 में का मुद्दा रहे, कोने मुद्दा पे चुनाव पप्पू निषाद लड़ी है और लोग वोट दिए हैं उनके? आप राहुल जी बताइए कि जो मोदी जी बड़ा बड़ा दावा कर ले रहे हैं 2014 में कि हमारी सरकार बननी
और 50 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड के जौन बैंक में काला धन जमा बा और 50 दिन के अंदर लाई बा और हर खातेदार के खाते में 15-15 लाख रुपया दे। ये तो झूठा झांसा हुआ। और ये कह रहा है कि अगर ना 50 दिन में काला धन लिया कौन तिराहा चौराहे पर निहुर जाए हमारे पिछवाड़े मार दिया मुँह के बगल गिर जाए। और यो आप वादा करें कि 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोजगार दे तो भैया 20 करोड़ नौकरी तो चाहिए ना। 1 अरब 40 करोड़ का आबादी बा हमारे देश का, 25 करोड़ परिवार रहत बा भारत में, तो भैया 20 करोड़ लोगों के परिवार में नौकरी तो मिल जाए चाहते एक एक्ट मिल रहा है। अभी कहत माना है कि 84 करोड़ लोगों के हम भोजन देवे का काम करते ही तई का नया मोदी जी अपने मौसीवरा से देते हुआ कहा कि अपने बुआ के घरे से खाला के घरे से लाल बना। अरे 2014 से पहले भी चाहे वो मायावती मुख्यमंत्री रहें चाहे नेताजी रहें चाहे अखिलेश यादव का सरकार रहे तो वह समय लाल कार्ड सफ़ेद कार्ड पीला कार्ड मिले। लाल कार्ड पर 35 किलो राशन मिले, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलत रहा और सफ़ेद कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल मिलत रहा है, चीनी और घास लेट भी मिलत रहा। मोदी का सरकार जो बा चीनी चट गए गई मिट्टी का तेल वो पी गई। अब आप बताओ बजरा दिवस फरवरी से शुरू कैले बाड़ा है तो मोदी जी तो कहते हैं ना कि 80 करोड़ देशवासियों को फ्री में मुफ्त में राशन। अच्छा ये बताइए तो रोजगारवा नौकरिया जो देवे का वादा के ले रहे कहाँ बयाल ये राष्ट्रवादी बनने ने लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता 15 अगस्त 1947 के आई तो भारत भूखो नंगों का देश रहा, न खाए के भरपेट भोजन रहा, न पहने के बराबर कपड़ा क्यों मिलत रहा। कांग्रेस पार्टी देश का तरक्की खाती के गेल सेल भेल रेल वजन जीसी NTPC पावर प्लांट HCL के स्थापित करौला है, IIM बनौला, यूनिवर्सिटी बनवाई, IIT बनौला, तमाम काटन मिल हो चाहे फर्टिलाइजर कंपनी हो चाहे शुगर मिल्स हो, ये सारा जो उपक्रम दिखाई देता है ये कांग्रेस पार्टी ही बनौला है। बिजली का खंभा भी राउट देखा तो भाई ना तो या तो कांग्रेस पार्टी का हुई और नहीं तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का सरकार द्वारा बनाल। गाँव का प्राइमरी का स्कूल आपके वही मिश्रा जी ना, तो आपके गाँव में जो प्राइमरी का स्कूल है वो कांग्रेस पार्टी का बनावल है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लालू प्रसाद यादव जी के कहले से और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के कहले से मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो UPA 2 का सरकार रहा है उसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। आई भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन का ढोल नगाड़ा जो बचावत हुए और चैत्र शुक्ल नवमी के रामनवमी मनावल जाते रहे। आई बतावा आधा अधूरा अयोध्या के मंदिर का और जहाँ मंदिर बनने के विवाद रहे हिंदू मुसलमान का 3 किलोमीटर दूर काहे के बेईमानवा बनौने सो। अरे बनावक जात रहा जहाँ राम का जन्मस्थली कतरा है तो 3 किलोमीटर काहे के दूर हटा के देश के तबाह करे का काम कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करे का काम। तो ये जनता सब कुछ जानत बा है और जनता पूरा मन बना ले ये चुनाव जैसे वासी में बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बाम मोर्चा का जो गठबंधन बनल रहा है कांग्रेस पार्टी के बेशक विरोध में वो लड़ाई जाए वही तरह या लोकतंत्र के बचावे खातिर संविधान के बचावे खातिर जो छात्र नौजवान चाहे सबल समाज के हो चाहे बैकवर्ड हो हिंदू हो चाहे मुसलमान जिसके घर के बेटे बेटियाँ पढ़ लिख करके आप प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भर रहे हैं हजारों हजार रुपया खर्च कर रहे हैं, कोई लखनऊ जाता कोई गाजियाबाद जाता कोई कानपुर जाता कोई इलाहाबाद बनारस जाता, अब पता लगा आधा पेपर देने के बाद पेपर आउट हो गए लीक आउट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी नौकरी रोजगार ना दिल चाहत बा, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाले का काम करत बा, तमाम हमारे बहन बेटी का हाथ पीला ना हो पौला, लड़कन का शादी ना हो पौला, वो लड़का आत्महत्या कर खाती के बीपस बाड़ा। अभी बोलिए निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता सब गुंडे हैं। अच्छा ये बताए पहले तो ये 302 का मुजरिम है, कसरवल में 7 जून 2015 को अखिलेश निषाद की हत्या हुई, इसने एक साजिश बनाया था कि 10 निषादों के बेटों को गोली से मारना है, जब मरेंगे 10 निषाद पूरे विश्व में जो है कि मीडिया में इसकी चर्चा होगी। ये नेता बनने के लिए एक 3 बहनों का इकलौता भाई था इटावा निवासी दलीपुर मरैया का अखिलेश निषाद की हत्या करा दिया। ये बेईमान हमारे अंगूरी पकड़ करके जो है समझिए कि 2011 में 25 जून को आया, हमने कहा देखो भैया मल्ला केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुरा बातम माझी चाहे मुरियारी सुरैया बतवा कुलवट बन पर तीयर में बदल रहा है। तो हम लोग पंडित जी लोग का नकल करके कि अगर ब्राह्मण दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय चटर्जी बनर्जी मुखर्जी चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय मुखोपाध्याय लाटुर्जे चाटुर्जे कुलकर्णी अय्यर नम्बुदरी पात के
मुद्दन कुरी में बटल लाला, लेकिन सब बाबन लोग एक दूसरे का रिश्तेदार हो ना, तो अमन का निषाद समाज का चाहे मुरियारी सुरैया केवट मलाबेन सब एक होकर चाहिए। हमने कहा कि आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। जब देश का राजधानी दिल्ली में मल्लाह के अनुसूचित जाति में रखल बाए, पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया नाम सुधर पटनी केवट कैवरता मल्लाह केवट बिंद चाई तीयर तीयर को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में भी मझवार तुरैया गोड़ खरबार को परिभाषित करके मल्लाह केवट बिंद धीवर कार गुड़िया तुरहा बातम माझी को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। और जल आधारित पेशा जो मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में हमारे समाज को 10 बरस के लिए तालाबों झीलों का जलाशयों के पट्टा का शासन आदेश किए थे, 3 बरस के लिए बालू मौर खनन के पट्टा का आदेश किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको चौपट करने का काम किया। ए, बताओ इस तरह नमक हराम, इस तरह का लतिहर बतियर आदमी से बात किया जाए। संजय निषाद के बारे में जानता है, गोरखपुर में का कहावत कहा ले, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। ये इतना लूटेरा रहा कि लोग वहां पर किसी मंच पर बैठने नहीं देते थे। चंपा देवी पार्क में 2010 में हमने मंच पर अपना आग्रह करके वहां गोरखपुर के निषादों से बैठवाने का काम किया। इसने हमारे साहित्य की चोरी करके, निषाद ज्योति की चोरी करके इतिहासकार बन गया। संजय निषाद की अगर औकात है, अरे संजय निषाद की औकात हमारे सामने क्या है, मैं तो चैलेंज करता हूँ। संजय निषाद कहते कई पुस्तक हमने लिख दिया, वो हमारे सब आप देख लो। निषाद ज्योति हमारी पत्रिका 19 जून 1999 से शुरू हुई और अप्रैल 2016 तक चलती रही। उसी पत्रिका से साहित्य की चोरी करके इतिहासकार बन गया।